भोजन। आदाब, तुसी देख रहे हो अल्लाह बोल। अल्लाह बोल पर अज एक पहाड़ी सैगमेंट असा शुरू किया है। मैं पहले ही माजरत खां तुसा सारे कोलू और खास तौर से अनवर खान ते स्वामी जी कोलू, इस हस्ते के मैं पहाड़ी च मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हाँ कि जड़ी मेरी मादरी जबान है उसी च मैं बहुत अच्छी गलबात नहीं कर सकना, और खास तौर नाल उस गुफ्तगू जिस अनवर खान साहब आवन स्वामी जी आवन। मैं सिर्फ इतना अर्ज करा तुसा सारे ने खिदमत कि अल्लाह बोल पर असा पिछले 1.5 महीने तू कोशिश की है कि अपने जड़े असा ने मसायल हैं, खास तौर खिता पीर पंजाब ने जड़े मसायल हैं उन्हों पर गलबात करा, एड्रेस करा, अफसर तक उन्होंने गलों की पजावा। जरूरत यह महसूस हुई जिसले अल्लाह बोल असा शुरू किया, अनवर खान साहब गवाह हैं, इन्होंने असा की गल ये हुई कि अनवर खान साहब असा ने पहले दिन तू असा नाल एक प्रोग्राम कर सन, वो प्रोग्राम या तो पहाड़ी उसी ते या फिर तारीख वर उसी, ये गल्ला हुई सन। सही तो अनवर खान साहब भी मसरूफ हो गए, ड्यूटी जरा कुछ बाहर है, साथ जी आना जाना है, तो हुन कोविड ना जमाना है तो जरूरत है पेश आई थी कि अस पहाड़ी पर एक प्रोग्राम लेके आवा हफ्ते एक बार। तो स्वामी जी अनवर खान जी और वो लोग जड़े सुन रहे हैं सही, उन्हें यकीन खुशी हो सी कि अगे चल के अस जम्मू कश्मीरी जितनी भी जबाना बोलियां जाए उसी च डोगरी भी है, उसी च कश्मीरी भी है, उसी च गोजरी भी है, उन्हें पर भी अस जल्दी प्रोग्राम लेकर खिदमत चाहते हो। अनवर खान साहब पहाड़ी स्कॉलर हैं, पहाड़ी कहना जरा महदूद हो जाती, क्योंकि अनवर खान साहब उर्दू ही लिखते हैं, गोजरी च लिखते हैं। स्वामी अंतर नीरव जी अस सारे इन्हों इस वास्ते वाकफ हाँ कि एक दीवाना आदमी कदे असि पंजाब लगता है, कदे जम्मू लगता है, नहीं मिलता है, पूंछ नहीं मिलता, पता नहीं कदू पूंछ शासन है ऐसा नहीं मुलाकात हो, लेकिन पहाड़ी वर जम्मू कश्मीर अगर कोई बहुत अहम काम कर रहा है इस वेले वो स्वामी जी हैं। अज मैनू किसी ने सुनाया कि पंजाबी लोगों इन्हों एक लाखी पाई तुम पंजाबी च लिखो, फायदा यह है कि पूरी एक रियासत है तुसाने सामने, तुम इतना नहीं अपना कलाम पढ़ी सकने हो, ज्यादा लोगों तक पूजी सकने हो। स्वामी जी ने आख्या नहीं जी मैं पंजाबी तो लिखना ही है लेकिन पहाड़ी नहीं छोड़ना, यकीनन सारे वास्ते बहुत खुशी की गल है। मैं बस इतना ही आखना सा और मैं इतनी जसारत करी सकना सा इन्होंने दो बड़े आदमी ने सामने के पहाड़ी बोला। हूँ अगे अनवर खान साहब स्वामी अंतर नीरव जी दिया गल्ला तुम सारे भी सुन सो ते मैं भी सुन सा। अनवर खान साहब तुम शुरू शुरू करो। जी शुक्रिया जमरत जी। मेरी आवाज आनी है स्वामी जी? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए। जी, शुक्रिया। साढ़े तकन आले तो सुन आले हैं नी खिदमत च मेरा आदाब सत श्री अकाल सलाम आदाब। बड़ी खुशी नी गल है कि जमरत मुगल और जी कोशिश सी हल्ला बोलने ना नाल अलहमदुल्ला बड़ी तेजी नाल मकबूल हुई है और इन कोशिशां जड़ियां खिता पूंछ रियासत जम्मू कश्मीर और जिहड़ा साडा अदबी हलका है उसी तोड़ चाड़नी आ वह भी स्वामी जी बड़ी तेजी नाल फलियां फुलियां लगी नहीं। इन्हां पिछले कुछ दिनों तो एक मुहिम शुरू की थी जी कि मुगल रोड वाला जिहड़ा सिलसिला है उसकी बहाल किया जावे, तो अज हल्ला बोल पर मुख्तलिफ जिहड़े साडे सियासी समाजी रहनुमा से उन्होंने दुआ कोशिशां और जबरदस्त कोशिशों नाल सर ये किया गया कि पार्शली ही सही लेकिन मुगल रोड ना रास्ता जो है वो बाकी सुबह जम्मू नाल बहाल किया जा सकेगा। ते ताहम आज जरा साड़ा प्रोग्राम है स्वामी जी थोड़े नाल सवेरे भी गल हुई सी जमरुद भी इस गल की जानने ते बाकी सुनने वाले असा यह तय किया सा कि अज दिन जरा अस प्रोग्राम कर सेंगे उस विच खसूसियत नाल जड़ी गल असा करनी है वो महज इतनी है कि अस एक तारुफ देवा अपने इस प्रोग्राम ना जड़ा हर अतारे शामी 8 और 9 बजे के दरमियान अस हल्ला बोलने प्लेटफॉर्म परों अपने सुनने वाले तीकर पहुंचाने की कोशिश कर सेंगे। जी ये प्रोग्राम के उस किस तरह की आज कुछ जानकारी अस इसने वाले नाल अपने सुनने की दे सेंगे। सबसे जी पहली गल जी यह है कि पहाड़ी की लैके बड़ियां गलत फहमियां भी काफी सारे लोगों में मौजूद हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं जी कि पहाड़ी वो जबान है जड़ी पहाड़ा सर रहने वाले बोलने थोड़ी आवाज जड़ी है ना कटनी पे ही है। जी। मैं कोशिश करना अंदर कटनी भाई पे माइक तो बगैर भी तुम गल कर सकने हो, माइक मोबाइल तो काट के
आवाज बिल्कुल साफ आएगी जी। जी हूं तो सर आवाज कैसी आनी है? हूं ठीक है। अच्छा ठीक, तो अस इस तरह करने माइक बगैर गल करने की कोशिश करने हैं। जेड़ी चीज मैं आखी सी स्वामी जी के लोगों अंदर सब तो बड़ा एक गलत फहमी का मामला यह है, बाकी लोगों की क्या आखा साढ़े अपने लोगों अंदर जो पुंछ रजौरी फिर पंजाब पहाड़ी हल्के बोल रहने वाले जिन्होंने मां बोली पहाड़ी है वह गल फहमी का शिकार हैं। वो ये सोचने के जनाब जी साड़ी पहाड़ी जबान है ये वो जबान है या उस जबान की पहाड़ी जबान आख्या जाना जी पहाड़ा च रहने वाले लोग बोलने, लेकिन तुम भी जानते हो जबाना तो वाकफ लोग हैं, चंगे तरीके वाकिफ हैं कि पहाड़ी उस जबान का ना बिल्कुल नहीं है जी पहाड़ा बसने वाले बोलने। पहाड़ा बसने वाले तो बल्ती भी बोलने, लद्दाखी भी बोलने, पहाड़ा बसने वाले गढ़वाली भी बोलने, कमाऊनी भी बोलने, साड़ी भोजपुरी भी पहाड़ा बसने वाले बोलने। अगर हिंदुस्तान के तनाजर की गल करा या कश्मीरी भी बोलते हैं पहाड़ी। दरअसल एक गल शुरू विच ही वाजे करने की लोड़ है कि पहाड़ी उस जबान का ना है जड़ा मैं या तुसा या जेएनके अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस या साड़ी जिहड़ी बंड लिखी है एलओसी फार बसन वाले साढ़े पहाड़ी भैन भरा ही नहीं बोलने, बल्कि ग्रेटसन किताब लिखी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उस विच ग्रेटसन जिहड़ी टर्म यूज की जिहड़ी इस्तिलाह इस्तेमाल की साड़ी जबान वास्ते वह पहाड़ी जबान की इस्तिलाह इस्तेमाल की। बल्कि तुम उस तरीके आख सकते हो कि पहाड़ी एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजिज है जिस पर अस जिसनी साड़ी बोली भी एक हिस्सा है जी। एक चीज और जी मैं वाजे कर इतने के अक्सर एतराज किया जाना जी कि पहाड़ी जड़ी है पहाड़ी जबान दरअसल एक ऑफशूट है एक हिस्सा है पंजाबी नहीं, कोई अलग जबान तो है ही नहीं है। लेकिन उसे ग्रेटसन बस किताब चाहे हैं जिसना हवाला पहाड़ी की पंजाबी आखने वाले देने, तो ग्रेटसन उस विच पंजाबी की त्रै बड़े लहजे में बंडिया था। मेरा एक मकाला छाया हुआ सा पहाड़ी शिराजा विच 2014 ना जो शुमारा सा पहाड़ी शिराजा है ना उस विच छाया हुआ है अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजिज, उस विच में ग्रेटसन ने उसकी जोग्राफियाई बुनियाद पर जी बंड की जबाना ने उस आख्या था जी कि पहाड़ी दियां त्रै बड़ियां शाखां माफ करियो पंजाबी दियां त्रै बड़िया शाखां। पहली है मशरकी पंजाबी, उस विच उन्हें आख्या जी पंजाबी है साड़ी मालवी है मालवा पंजाब ने इलाके च बोले जाने वाला, फिर उस तों बाद उन्हें आख्या सी जी पहाड़ी है ते मशरकी पंजाब दियां जबानां। खान साहब आवाज तुस थोड़ा मोबाइल ने नजदीक आओ। हाँ खान साहब तुस थोड़े कोल आओ शायद शॉर्ट है शोल्डर शॉर्ट हो जाए कोई गल नहीं, मगर आवाज थोड़ी कटनी नहीं चाहिए बड़ी कीमती गल है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी मैं थोड़ा और नेड़े करना मोबाइल नेड़े हो जाओ तुस दसो आवाज ठीक आनी है? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक ते स्वामी जी मैं जमोरत बाकी जो सारे मोहतरम सुनने वाले अस गल करने लगे कि ग्रेटसन जिस टाइम तकसीम की थी पंजाबी नहीं उन्हें जग्राफी ज्यादा पर की थी उस आख्या जी के त्रै बड़े लहजे जबाना ने हिस्से हैं पंजाबी ने। पहला उन्हें आख्या मशरकी यानी कि ईस्टर्न पंजाबी, उस रखिया जरा पटियाली मालवी दुआबी ठीक है स्वामी। फिर उन्हें आख्या जी जी मगरबी पंजाबी, मगरबी पंजाबी चुना आख्या जी के माझी जी माझी नी जबान है ते साड़ी पोठोहारी की उसे शामिल किया। तीसरी जी उन्हें आख्या पंजाब की बाहर बोले जाने वाली जी पंजाबी ने लहजे हैं उस विच उन्हें पता किड़िया किड़िया जबाना रखिया, उन्हें साड़ी हिंद को रखी जी मुल्तान ने बोले जानी है पहाड़ी रूल। फिर उसके आख्या जी डोगरी है एक गोजरी है सराइकी है, आखन का मतलब यह है अगर अज अस पोठोहारी पहाड़ी की पंजाबी आखिया ग्रेटसन ने उस बंड ने उपर तो फिर असा की डोगरी की भी पंजाबी आखना फिर गोजरी की भी पंजाबी। लेकिन सच्चाई है कि डोगरी और गोजरी सराइकी अपने आप ही अपना एक अलग वजूद रखनी है, उन्होंने अपना एक अलग अदब है, उन्होंने एक अलग एक वजूद है, उन्होंने अलग एक शनाख्त है। इस वजह जिस तरह डोगरी गोजरी और सराइकी अलग जबान पंजाबी थू
उसे तरीके नाल मेरी तो साड़ी मां बोली पहाड़ी जिसकी हिंदको या पोटवारी भी आख्या जाना इसना भी अपना एक अलग वजूद है। इतने एक मिसाल में देखे अगर पुछा क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर तालबे इल्मा उर्दू लिटरेचर ते लैंग्वेज ना मैं लैंग्वेज की मिसाल देसा जिस टाइम अस उर्दू ते हिंदी ना आगाज़ो इर्तका पढ़ने ना स्वामी जी ओरिजिनल डिवेलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज ते ऐसा कि माहिरीन लिसानियात ओ भावे शौकत सबजवारी हुन भावे सोहेल साहब हुन भावे ज्ञानचंद जैन हुन या सुनीति कुमार चटर्जी हुन इन्हां सारियां कोल एक चीज असीं मुश्तरक लभनी है वह है सारे आखने कि हिंदी भी ते उर्दू भी मगर भी हिंदी दियां बोलियां अज अगर कोई आख्या नहीं जी के उर्दू हिंदी ना अपना कोई वजूद नहीं है ते उवे खड़ी बोली है जड़ी नौवीं सदी ने आखिर या दसवीं सदी ने शुरुआत बोले जाने सी एक बड़ी ज्यादती हो सी। एक चीज और बड़ी गलत करनी है आमतौर पर लोग आखिर नहीं जी कि कोई बोली आस्ते 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 फैलनी है किंडर नहीं है फैलनी जानी है एक वेला आना है कि वो बोली एक जबानी हैसियत ले लेनी है। लेकिन जमुर साहब भी डॉक्टरेट एंड लैंग्वेज स्वामी जी थोड़ा अपना बड़ा तहकीकी काम है पंजाबी और पहाड़ी उपर बाकी जड़े साढ़े सुनने वाले में देखना जो जुड़े ने जड़े लैंग्वेज नाल वस्ता है इस गल की चंगे तरीके नाल समझने बहुत चंगे तरीके नाल समझने कि कोई भी जबान जिस टाइम उसका दायरा काफी वसी हो जाने है फिर उसने जड़े अलग अलग बोलियां ने रूप होने वो बदना फलना फुलना शुरू होने वो जबान जड़ी है वो काफी सारी नवी जबान ही जन्म देनी है। संस्कृत की मिसाल साढ़े को मौजूद है तो देखो संस्कृत थ्रू क्लासिक संस्कृत की तरफ जिस टाइम अस आए हैं लौकिक संस्कृत हूँ फिर उस बाद ये वक्त आया कि साढ़े को पाली वाला सिलसिला आया अभरनिश वाला सिलसिला आया वाले सिलसिले तो बाद और अभरनिश तो भी बाकी सारी शाखा निकलियां अज साढ़े आसाम तो गुजरात तिकर जितनी जबान बोलियां जा रही हैं आसामी है बंगाली है उड़िया है मराठी है पंजाबी है हिंदी है उर्दू है गुजराती है मराठी बड़ी जबान भी गिनिया सारिया ने सारिया उस अभरनिश जमी है अभरनिश अपने आप ही संस्कृति जमी है। इसे तरीके सा जड़ा है वह बेशक पंजाबी नाल है और बड़ा डूंगा है सारिया जड़ा मुश्तरक हैं लेकिन हैसियत है जबान पंजाबी ना अपना अलग वजूद है डोगरी ना अलग वजूद है पहाड़ी ना अलग वजूद है और गोजरी ना अलग वजूद मौजूद है आवाज ठीक आने लगी जी 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 ते स्वामी जी ए मुक्तसर की जड़ी गलत फहमी सी और एक बड़ी गलत फहमी है वामु नास अंदर के पंजाबी ते पहाड़ी एको चीज है दूसरी गल है कि पहाड़ी उस जबान ही आखने जेडे पाणा रहण वाले बोलने दूसरी चीज मैं इत्थे अगे दसना चाहुंगा कि पहाड़ी एक मखसूस मजहबी जबान नहीं है क्योंकि किसी जबान ना मजहब नहीं होना जबान ना इलाका जरूर होना है। बिल्कुल ठीक है सर ते असाड़ी जबान ना जेड़ा इलाका है जिस इलाके विच मुख्तलिफ मजहबां ने बसन वाले जबानी बोलने अगर अस तका सर ते बारामूला और कुपवाड़ा थू जिस टाइम अस पुंछ आले पासे आने हैं बताड़ दरिया और जेलम ने कंडे कटे ते साडा उस पुंछ आ जाना है रजौरी आ जाना है सतवारी तक बल्कि चट्ठा आरसपुरा सिंबल तो अगे टप के ते जड़ा साढ़े सुचेतगढ़ तक ना इलाका है इस विच एक बड़ी तादाद पहाड़ी बोलने वाले नहीं बसनी है इयो बिल्कुल बेल्ट इस बताड़ और रंगड़ नाले और जेलम ने पारले पासे है जिस विच साडा बाग है जड़ा साढ़े पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीरी है सुदनुती है मीरपुर है ये साढ़े वो इलाके हैं जिथे साड़ी पोटवारी हिंदको ये साड़ी पहाड़ी बोली बोली जानी है। इस वजह नाल मदनी जबान नहीं बल्कि इस पहाड़ी कबीले की जबान है जड़ा इस बंड लकीर ने दोए पास बसना लगन है और इस जबान की अपनी रोजमर्रा गुफ्तगु वास्ते इस्तेमाल करना है। स्वामी जी एक चीज और इसकी लोड़ है कि जड़ी साड़ी पूरी रियासत सी ना गिलगत बल्तिस्तान भी जिस टाइम साड़ा हिस्सा से लद्दाख भी यानी कि तकसीम वतन तो पहले
कश्मीर वाला जब जम्मू आना सा ना सर, इतने जम्मू वाला कश्मीर नहीं समझना सर, लेकिन जिस टाइम कोई पुंछी या बीरपुरी कठुआ भी पूछ जाना सा ना सर, ते अस एक दूए नाल गल करने काबिल होने से आखने मतलब है सुबह जम्मू ना वादी ने कुपवाड़ा बारामूला छुपैया गांदरबल अनंतनाग इस इलाके विच एक बड़ी तादाद हले भी साड़ी पहाड़ी जबान की समझनी है। मैं ईमानदारी नाल आखा कि अज साड़ा कोई कश्मीरी बोलने वाला भरा कठुए चले जावे ते उन्हां की कश्मीरी समझ नहीं आने लगी 90% लगी, लेकिन लोग ऐसे समझेंगे जड़े पहाड़ी समझने वाले ने। 1931 हमले हुए ने से उस सारी मामलात ही होया 1951 सेंसस नहीं हो सकी, लेकिन सरकारी आदादो शुमार ऑन रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं कि जिस वेले अस 1931 या 1941 ने सेंसस चा के तकने आ ते रियासत जम्मू कश्मीर किसी रियासत जम्मू कश्मीर जड़ी के खुद मुख्तार रियासत सी आजादी तो पहले उस विच सब तो बड़ी जबान कश्मीरी और दूसरी बड़ी जबान पहाड़ी है, बिल्कुल जिसने बोल नाले सब तो ज्यादा तादाद पाए जाने पहले नंबर पर कश्मीरी दूए नंबर पर पहाड़ी उस तो बाद डोगरी ने नंबर सा फिर गोजरी ने नंबर सा, लेकिन होया एक लकीर खिंची गई संताली होया वतन तकसीम होया असा अपना इलाक भारत नाल कीता कुछ इलाके पाकिस्तानी कब्जे भी चले गए ते पहाड़ी बोलने की बड़ी तादाद जड़ी जोग्राफियाई तकसीम हुई ना साड़ी इस जेलम ने पार ते साड़ा जड़ा है बतार नाला है शहर एयरफील्ड तो परे उस तो परे अला इलाका रखने अला तो परे बाग रावला कोट सुदमुद्दी अजीरा वगैरह ये सारे इलाके पहाड़ी बोलने वाले इलाके से ये सरहद ने पार रह गए। नतीजा ये निकलिया कि जिस तरह असा मर्दमशुमारी की थी असा ये छोटा जहा निका जा पुंछ रजौरी या कुछ इलाका उड़ी करना ना इस पास बचिया सा इसी च असा गिनना शुरू किए लोग कि कितने पहाड़ी बोलने वाले, नतीजा ये होया कि असं पहाड़ी बोलने वाले घट दिसन लगे। अज भी अगर सरकारी जेडे ऐदा तो शुमार हैं ना उन्होंने गल करा या परखन की कोशिश करा तो इस वेले तकरीबन 1 मिलियन तो ज्यादा 1 मिलियन तो सारे जानने हो 10 लाख तकरीबन 12.5 लाख लोग जड़ी साड़ी हिस्सा है पहाड़िया ना हिंदुस्तान ना जिसना इलाक होया ना ये साड़ी जम्मू कश्मीर बोलने वाले तादाद सरकारी आदाद शुमार 2011 की मरदमशुमारी ने मुताबिक 10 लाख तो ज्यादा हैं। इस तो ज्यादा तकरीबन 18 लाख जड़े हैं वो इस बंड लकीर ने परले पासे हैं और तकरीबन 10 लाख आदमी पहाड़ी बोलने वाला बर्मिंगम और यूके ने यानी कि लंदन ने आसपास के इलाके मौजूद है जिथे अली अदालत जैसी शख्सियत उसे मौजूद है। अस ये मान के चल सकते हैं कि इस वेले 3 मिलियन से ज्यादा लोग जड़े हैं अक्रॉस द ग्लोब इस बाड़ी जबान की ना सिर्फ बोलने हैं बल्कि बड़ी ज्यादा तादाद है जड़ी की बड़े सोने तरीके नाल समझनी है और अपना इजहार भी सीख जी 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 खान साहब शेयर करना चाहूंगा मेरे को कुछ डाटा है स्वामी जी थोड़े नाल भी गल कर सा मैं माफी चाहना पहले थोड़ा जा तारफ इस प्रोग्राम में देंगे ना बाबा लगे रहो तुम मेरे जेरे हो थोड़ा चीरा मेरे अपनी पैसों ना ना बिल्कुल नहीं यार। तो स्वामी जी जड़ी मैं गल कर लगा सा कि साड़े कोल जड़े एदाद शुमार हैं सरकारी सतह पर आए ने साड़ा एक हुकूमत ने तरफों एक इदारा कायम किया गया है एडवाइजरी बोर्ड फॉर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जी रियासत जम्मू कश्मीर जड़ी साड़ी है यूटी इसने तहत है उस विच ये होया ना सर कि साड़े एक बड़े मोतबर और मुअज्जज शख्सियत हैं साड़े सीनियर के एस ऑफिसर हैं जो अजकल पुंछ जनरल मैनेजर डी आई सी हैं डॉक्टर जाकर फराज साहब उन्होंने बोर्ड सर्वे करवाया क्योंकि हुकूमत की तरफों कदे इतनी तौफीक नहीं हुई कि जांचा जाए परख्या जाए कि पहाड़ी कितने हैं कितने बसने हैं उन्होंने माशी सूरत हाल के है वो बसर औकात किस तरह कर रहे हैं
ਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜ਼ਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਉਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਸਨੇ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 1,25,00,000 ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8.5% ਲੋਕ ਹਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਣੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰ ਉਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਗਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸਵਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੰਛ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ ਨੇ? 2002 ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜੀ। 2002 ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਉੱਪਰ ਸਰ। ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਭੋਰ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਡੋਗਰੀ ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਕ ਜੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਓ ਨਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਜਾਈ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਉਸਕੀ ਸਮਝਨੇ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਕੀ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਕਸਾਂ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਕਿੱਲੀ ਬਸੀ ਜੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੰਛ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸਾ ਨਾਰੇ ਡੁਰਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੇ ਡੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਦੁਰਲੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰੇ ਦੁਰਲੀ ਹੈ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰੇ ਦੁਰਲੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਅਗੇ ਅਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਕੇ ਆਖਣ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਹੈ, ਪਠਵਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੋ, ਮਾਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਅਲਕਾ ਨੰਦਾ ਕੱਢੀ ਛੋੜੋ, ਬਗੀਰਥੀ ਕੱਢੀ ਛੋੜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਢੋ, ਗੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣੀ, ਗੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਉਸਨੇ ਐਮਬਿਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਸਨਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ, ਉਸਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਬੋਧ ਸੰਬੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਲਬੂਤ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੋਜਰੀ ਖਬਰਾਂ, ਫਿਰ ਸੁਣੀਆਂ ਡੋਗਰੀ, ਫਿਰ ਸੁਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨਸਰ ਨਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਯਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਹੋ, ਆਹਨੇ ਬੱਚਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
इस तू अच्छा कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसे ना जुबाना नहीं सांझ की जी 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 अस उयो गल डोगरी च कढ़ने आ डोगरी च कढ़ने आ उयो पंजाबी च कढ़ने आ उयो पहाड़ी च कढ़ने आ जी जी उयो जे ही कढ़ने आ बहुत अच्छा बिल्कुल अच्छा जी है ना कमाल बिल्कुल जी आ खा तू जी अनवर जी मैं एक है बस मैं तुम कहूं ये चीज पता है क्यों अजमर साहब जड़ी गल मैं करना चाहना सा मैं स्वामी और क्यों पूछा सा कि तुम दसो जम्मू च कितने बोलने वाले हैं भी या नहीं क्योंकि जरा सरकारी सर्वे है ना सर ये मेरे सामने है बिल्कुल इस टाइम अच्छा सरकारी सर्वे आखना है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट विच सीरियल नंबर 7 पर इन्हें जम्मू डिस्ट्रिक्ट दिता इतने के जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी 15,29,958 2001 की मरदमशुमारी ने मुताबिक और इस विच पहाड़ी बोलने वाले की तादाद 0 जी महाराज गल सुनो जे मैं ए सोशल मीडिया पर नहीं होना इतनी मोटी गल करता हूं जी मैं नाम नहीं लगाना सर मतलब मैं इस गल की चंगे तरीके नाल जानना सारे चंगे तरीके नाल जानने कि साडा जितना भी रिफ्यूजी तबका है साडे जितने भी सिख भरा या सनातनी भरा 1947 नी बंद तू बाद जी 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 अगर वो आए हैं रावला कोट तू बाग तू अजीरे तू सुदमुक्ति तू मीरपुर तू वो जड़े बसे हैं पुंछ तू लैके ते आप पूरे तेरा मल्ला है ना जी पटरी तू चंगे तरीके नाल जानने हो और सारे ने सारे 100% रिफ्यूजी हैं उन्हें सारे पंजाबी जबान जड़ी है पहाड़ी है बिल्कुल ते देख लो आज नहीं अफसोस सोचते आले है सर के अस जॉइंट अप ना सर इंदिरा नगर मीरा साहब चट्ठा सिंपल और कैंप आरएस पूरा तक ठीक है जी सारे सारा ही सारे पहाड़ी हैं और सरकारी एदाद शुमार आखने जी के जीरो पहाड़ी है उत्थे जी ते इस वास्ते गल की कि इस तो तुस अंदाजा ला सकने हो कि जड़ी आबादी मेरी तो साड़ी यानी कि पहाड़ी बोलने वाले नहीं सरकार दसनी लगी नहीं है ना अस उस कोलो कई गुना ज्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट नी जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने नाल पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट नहीं मैं दसा कठुआ डिस्ट्रिक्ट सा राजबाग एरिया जड़ा है सर बेशुमार पूंछी है मतलब जिन्होंने जड़ा पूंछी चैन पुराना पूंछ बिल्कुल पूरी आबादी साड़ी है साड़िया मतलब रिश्तेदारियां साड़िया रिश्तेदारियां इस वजह आखना पूंछ नहीं अगर कोई थी उत्थे भी आई नहीं या पूंछ कोई नूह उत्पादी नहीं है उत्थे साड़े पहाड़ी बसने और बसने हजारां च भी नहीं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की 0% गई है स्वामी जी ठीक है इसे तरीके नाल बहुत सारे सूदन हैं जो पूछी हैं जिन्हें मैं चंगे तरीके नाल जानना मेरे दोस्ताना तालुकात हैं जिन्हें नाल पहाड़ी बोलने हैं पहाड़ी बसनीक हैं उत्थे उधमपुरी की पहाड़ियां हैं नाल साड़ा शायर बलराज सिस्टर उसी बलराज बख्शी उसे नाल है साड़े बड़े बहन वो उत्थे पहाड़ी तबके ने लोग या जो गैर पहाड़ी तबका लोग सड़े सड़े भरा जुड़े ने इस गल की चंगे तरीके समझन कि जेडे एदादो शुमार दिते गए हैं 2001 की मरदमशुमारी विच उना विच असाड़ी आबादी काफी ज्यादा घट करके दसी गई है काफी ज्यादा घट करके दसी गई नहीं है बिल्कुल और इस विच सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसे पूंछ ते रजौरी है जिन्हां विच पहाड़ियां की आबादी 56% तो उपर दसी गई नहीं है पहाड़ी बोलने वाले इस जो टेक्निकल गल में मरदमशुमारी जिस दिन स्वामी अंतर नीरव ने घर पुजनी है ना टीम या अनवर खान ने घर आनी है वो आखने अनवर खान है मुसलमान है ते इसका मतलब है उर्दू बोलना उसी अंतर नीरव सिख है ते केड़ा इसनी माता जी नाल या अनवर ने दादे नाल मगजमारी करके इन्हें बुढ़े ही पूछी गए तुम दसो कि जबान है साड़ी वह अंदाजन सिखा नहीं पंजाबी लिखने लगे ने मादरी जबान मैक्सिमम मुसलमानों की जबान उर्दू लिखने लगे ने हालांकि उर्दू रियासत जम्मू कश्मीर में किसी भी वसनीक नहीं मादरी जबान नहीं है साड़ी है सरकारी जबान रही राबते नहीं जबान है इस असें जोड़ रखा अपना एहसान है लेकिन मां बोली किसी ने नहीं है मां बोली या तो किसी ने कश्मीरी है या गोजरी है या डोगरी है या पहाड़ी है या लद्दाखी है या चीना है ठीक है ना इस वजह इस पर हरे दस अस कोशिश कर सकते अगले प्रोग्राम बीच एक तमहीद हुई कि भैया ने जड़े मिसाइल हैं
सब तो पहले अस जानने की कोशिश करा कि अस हाँ कितने अस हाँ कितने अगर अगर यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन और बर्मिंगम एक रसाला सारा बाकायदा निकलने चिटका तो किसी शौक वास्ते तो नहीं कड़ने उस चिपण वाले कोई मौजूद है उत्थे अगर एक पहाड़ी ना खालस टीवी चैनल अली अदालत उसने साथी मिलके चलाने अपना चैनल अपना जी जी अपना चैनल उसने नया चैनल ना वो अगर चलाने इसका मतलब है कि उसकी कोई व्यूअरशिप उसी तकन आले उसे हैं तो तैयार चलाने ना जी ते अगर अस जिस पे पहाड़ी फीचर फिल्म बनाने की कोशिश करने हैं लकीर जिसी लिखना है लंदन ही बैठा ना अली अदालत जिसने स्क्रीन पे डायलॉग लिखना है बैठा ना केडी मेनी जिसकी डायरेक्ट करना है शिव दत्त और जड़ी हरी क्षेत्र फसल चलनी है अगर पहाड़ी बोलने वाला जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है तो क्या पूछो अनवर खान जाके तकना सा हरी थिएटर विच लकीर या कोई पहाड़ी बोलने वाला कैसे जी अनवर भाई अनवर भाई मैं तुसा को लासा वापस मैं सिर्फ एक दो गुजारशात करा जी अनवर खान साहब तुसा ये गल की थी के शुरू च के जबान जड़ी है इसना कोई मजहब नहीं है मैं बड़ी खूबसूरत एक गल ऐड करा जावेद अख्तर साहब की तुम सारे जानने हो जिन्हें फिल्मों में गीत लिखे उन्होंने एक बड़ा मशहूर उन्होंने जी डिस्कशन है जिसले जबान पर होनी है वो ये गल आखने के रिलीजन की जबान नहीं होती रीजन की होती है पंजाब बसन वाला पंजाबी बोलसी कश्मीर रहने वाला कश्मीरी बोलसी जबान मजहब नहीं है रीजन नहीं है एक गल दूई मैं दसा जी के आदो शुमार दसे अनवर खान साहब मंगलेश डबराल हिंदी ने बहुत बड़े शायर सन शायर हैं पिछले दिन कोविड उन्होंने इंतकाल होया इतना बड़ा आदमी असा को चला गया तो पिछले दिन उर्दू हिंदी पर एक असा दिल्ली एक प्रोग्राम किया उर्दू हिंदी पर डायलॉग करवाया कि उर्दू पढ़ने वाले लोग बोलने वाले नहीं पढ़ने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है उसने ऊपर मंगलेश डबराल ने एक गल आखी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अगर किसी जबान ने बोलने वाले सिर्फ 500 लोग हैं जी सिर्फ जी। 500 लोग पूरी दुनिया च कोई जबान बोल लें मैं उन 500 लोगों ने हक वास्ते खड़ा मैं इसनी हमायत करना कि उन 500 लोगों सिर्फ 500 लोगों अपनी जबान बोलना अपनी जबान ना लिटरेचर तैयार करना पूरा हक है तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करा मैं खुद शर्मिंदा हाँ कि मैं बड़ी मतलब पहाड़ी नहीं बोल सकना कोशिश कर रहे हैं ते असा की कोशिश ये करनी चाहिए है कि पहाड़ी ज्यादा से ज्यादा जड़ी भी मादरी जबान है पहाड़ी होवे गोजरी होवे जड़ियां असन ये अपनी जबान है जम्मू कश्मीरी जड़ी बोलियां जानी उन्हें रिवाज दिता जाए ज्यादा से ज्यादा उस जबान की गल की जाए मैं भी अगे तू कोशिश करांगा अनवर खान साहब मसा भी रसूल हमजा तोफ ने एक को सुना रहे सन के उन्होंने उन्होंने आख्या कि भाई दो बंदे किधरे मिलन वो हम जबान अमन एक जबान होना नहीं होवे वो किसी तीसरी जबान च गल करन जिसने मैं अनवर खान साहब मिलने हाँ तो अस उर्दू ही गल करने इन्होंने जबान भी पाड़ी है मेरी जबान भी पाड़ी है तो शर्मिंदगी नहीं कोई गल नहीं हो सकती शर्मिंदा अस इस गल पर होना चाहिए कि अस अपनी जबान मादरी जबान की गल नहीं करने अस शर्मिंदा होने कि अस मादरी जबान च गल करने अस उर्दू बोल सा अस अंग्रेजी बोल सा अस हिंदी बोल सा अपनी जबान ही ज्यादा गल्ला करनी चाहिए बस मैं इतना अर्ज करता बाकी अनवर खान साहब स्वामी जी तुस कुछ आखना चाहने सो कोई गल खान साहब चलो बदो खान साहब बदो मैं क्या अच्छा अच्छा स्वामी जी जमरदार बड़ी पते नहीं गल की थी तुस देखो कि एक इतना बड़ा कंपलेक्स साढ़े लोगों अंदर मौजूद सा कि जिस टाइम किधर अस यूनिवर्सिटी ने दिनों पुंछू जम्मू जाने से ना साड़ी कोशिश बाजार ही होनी सी कि भज्जी त्रुट्टी से डोगरी बोलना ताकि इन्हें लगे कि दूरों पुंछी आए ने ते वो एक जरा एहसास कमतरी है ना सर उसने नतीजा ये निकलिया कि आज की डेट च मेरे बच्चे भी अगर इन उन्हें आना जनाब कि 49 साल मेरी उम्र हो गई है तो अगू पूछ रहे कि 49 होने कितने ये 59 होने या 49 होने ठीक है नहीं साहब जी ते चीजां जिहड़ियां बड़ियां तशवीशनाक हैं इन्हां पर असां ही काम करने की जरूरत है परवेज इकबाल साहब मोहतरम जायज साहब को कमेंट लिखे है
ਜ਼ਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਮਸਤ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਿਟਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਗਾੜਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਰਹੋ, ਬਦਾਨੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੇ ਅਨਵਰ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਤੁਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਮਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਰੇ ਰੁੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਰੁੱਚ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਸੇ ਖਾਂਟੀ ਪਹਾੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਓੜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਓੜ ਦੁਸਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਲਿਪਾਈ ਹੈ, ਚਾਲੀਆਂ, ਗਾਂਡੇ, ਥੰਮ, ਮਕਾਨ ਕੀ ਢਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਗਾਂਢੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਂਢੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੀ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰੇੜੇ ਮੇਢੇ ਗਾਂਢੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਢਾਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾੜੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਨਾਲੇ ਚੋਂ ਨਾੜੇ ਚ ਬੁੰਝੇ ਟਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਨ ਠਹਿਰਾ, ਉਹ ਬਹੁ ਬੜੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਓੜ ਕਰਨਾ, ਓੜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੈਨ ਨੇ, ਬੱਤੇ, ਬੱਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਲੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਮਾਰਾ, ਉਸਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਭੇਜਣੇ, ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖੜਿਆ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਈ ਇਹ ਦੀਆ ਬਲਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਏ ਤੇ ਦੀਆ ਬਲਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰਸੀ, ਜੇ ਆਖੋ ਕਿ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਗੱਲਾ ਕਰਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਅਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਕੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਣ ਸਾੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਨ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 42,776 ਪਹਾੜੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਈਟ ਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਿਫਰ ਹੈ,
हालांकि जावेद राय साहब का फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है या जिस तरह असा इलाका जात निशानदेही करके अर्ज की कि उत्थे मौजूद है क्योंकि जावेद साहब ने सब तो कंट्रीब्यूशन रियासत वास्ते कि ना सिर्फ साढ़े रियासत ने कबायली वास्ते जो ट्राइबल डिफरेंट इलाके बसने वाले उन्होंने पर बड़ा तहकीकी और मुहकिकाना काम किया है बल्कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की है जानकारी हर हवाले मौजूद रहनी है लेकिन मैं इस प्रोग्राम ने वाले ने इतनी गल जरूर करना चाहसांगा शौकत कादमी साहब जो सेक्रेटरी रह चुके हैं पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड ने बड़ी खिदमात उस दौर अपने इस पहाड़ी बोलने वाले कबाइल ने की है उन्होंने भी कमेंट किया जमोर साहब वो भी तक्यो के ओके मैं करा कि साढ़े इस प्रोग्राम का आइंदा जो सिलसिला रहा है स्वामी जी तो सुनने वाले की भी दसा देखने वाले की भी कि अस साढ़े जो मुख्तलिफ काम काज है ना जी सकाफत नहीं गल उसी तमदन कल्चर नहीं सिविलाइजेशन नहीं हिस्ट्री नहीं गल उसी लिटरेचर नहीं गल करसा हिस्ट्री नहीं गल करसा साढ़े जो सियासी मसाइल हैं उन्होंने गल करसा असा कि ट्राइब होने बावजूद असं शड्यूल क्यों नहीं किया जाना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस विच के अड़चन हैं उन्होंने गल वक्तन फवक्तन अस प्रोग्राम करने रहा कर सेंगे और उसने नाल नाल जबान की बाधा देने इसकी बदान आस्ते इसकी फोक देने और इसकी रोजमर्रा गुफ्तगू लियाने अस जिस तरह स्वामी और दसा कि कोशिश कर सा और वो कुछ लफ्ज जड़े मरने जाने भावे उन्होंने वजह एक हो या दुई हो अज सारा बच्चा एन ई एस टी नैस्ट से जानना है लेकिन उसे यह नहीं पता कि चिड़िया ना आलना होना है वो क्यों नहीं जानना क्या वजूहत रही है कि वो मुकने लगे ने उसकी नवा जितने भी साढ़े देखने वाले उन्हें यह गुजारिश रही कि कमेंट्स किस किस्म का प्रोग्राम चाहने हैं वो अपनी फीडबैक जरूर देन साढ़े जो दिग्गज हैं जिन्हें काम किया भावे कलमनी फील्ड च होवे भावे सियासतनी फील्ड च होवे सकाफतनी फील्ड च होवे उन्हें सारे नाल भी अज जुड़ सकेंगे जाकर साहब ने जिक्र किया इस तो पहले शौकत काजमी साहब जुड़े ने उन्होंने मैं तस्करा फरमाया कि यह सारी शख्सियात ऐसा हैं जिन्होंने अस जुड़ सकेंगे इन्होंने जरा तजर्बा है जरा इन्होंने फील्ड च काम किया है उसकी हल्ला बोलने जरिए आम आदमी थोड़ी पहचान की कोशिश रही कि अगले हफ्ते थी और उसके अलावा स्वामी जी नाल एक फीचर हर प्रोग्राम में सड़ा रहा करतीगा कि साड़ी सकाफत ने पहलू स्वामी और कुछ पासिंग रेफरेंस दिते मसा के साड़े मकान जिसमें चढ़ने से पुराने साड़े उटारे चढ़ने से उन्हें के इस्तेमाल होना सा केड़ी-केड़ी इस्तलाहात इस्तेमाल की जाती सी ब्याह शादी पर क्यों होना सा नचन कुदन खेडन गाने ले क्यों होना सा मरने के रसूमात हैं अस डोगी भी जाने से सब्जी गुडन से गुड़नी क्यों होनी थी रम्मी के है छड़ा छज के है चढ़नी के है मदानी के है ते सिल के है बट्टा के है सलाटा के है चीजा एक एक चीज लैके 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा हर प्रोग्राम में उसी ऐड कर सकेंगे ताकि जी सी नवी नस्ल है ना जी इस तू ना वाकिफ है बल्कि साढ़े तो इस टाइम 3+ भी कुछ ऐसे लोग नौजवान हैं जेडे नहीं जानने इन चीजा की उसकी वजह यह रही कि अपनी 10वीं थोड़ी पढ़े किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल 12वीं बाद रियासत तो बहर चले गए नौकरियां मुलाजमत भी उत्तर करने अज इस टाइम उन्होंने गल करा खुर्शीद साहब जुड़े इन्होंने भी खुशामदीद आखना मतलब इतना है जी कि यह प्रोग्राम खालिस्तान पहाड़ी जबान कल्चर तमदन सकाफत की फरोग देने इसने मसाइल की उजागर करने फिर इसकी जी दरसी किताब शमूलियत का मसला है साढ़े बच्चे क्यों साड़ी पहाड़ी नहीं पढ़ाई जानी साड़ी गोजरी क्यों नहीं पढ़ाई जानी साड़ी डोगरी क्यों नहीं पढ़ाई जानी यह गल्लां भी अस एक दुए नाल कर सकेंगे तो इस किस्म का सारा प्रोग्राम रहसी लेकिन नाजरीन तुसां अगे गुजारिश रहसी कि तुस के तकना चाहते हो के सुनना चाहते हो किस मौजू पर गल करना चाहते हो कोई ऐसी शख्सियत साढ़े को मौजूद है जी असं शम्स की वार सुना सके अगर कोई आता है साढ़े को जिस को साड़ी लोक कहानियां ना जखीरा है उसी भी सत्सा साढ़े एक बड़े अजीम शख्सियत से सुभाष राजादा साहब चंगड़ वाले नहीं रहे लेकिन उन्हें जो सैफ मलूक की कंपाइलेशन आले काम किया उसने 21 नुस्खे इकट्ठे किए किस तरह मियां मोहम्मद बख्श नाल मिलने से और सारे मामलात इस किस्म की जी शख्सियात हैं दूर दराज ग्रामीण छपी नहीं बैठी नहीं जिन्हें काम अपनी सतह पर किया उन्होंने भी सत्सा साढ़े जड़े चुनमे कलम जिस स्वामी जी आख लगे हो हाँ खान साहब दूसरी जी गल है ना जी बड़ी जरूरी गल है कि तुसें पता है कि अस पहाड़ी इस लकीर करन बंडन होने ना जी 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 जेड़े परले पहाड़ी है अस उन्होंने गल्ला भी कर सा
ਜਿਹੜੇ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕ ਨੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਕਰੀ ਰੋਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸ ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਅਸ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਉਸ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬੀਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰਮਾਏ ਕੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸ ਜਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ ਨੰਗ ਮਲੰਗੇ ਆ ਹੋਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕ ਅਸ ਤੁਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਾਵੋ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਜਾਗ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਭੇਜੋ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਕਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਨੀ ਅਸ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਹਿ ਸੀ ਅਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਲੋਹੜੀ ਕੱਢੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਜਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਹੈ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਕੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਅਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ 1-2 ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸ ਜਦੋਂ ਅਸ ਜਾਲੀ ਹੋ ਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸ ਜਾਲੀ ਹੋ ਸਾਂ ਅਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਕਣਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸ ਅਗਰ ਬਾਰੀ ਕੀ ਖਿੜਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੜਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸ ਅਗਰ ਬੋਏ ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਆ ਆਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਅਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈਆਂ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਵਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੈ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਰਨਰ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਬੜਾ ਆਵਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਰਨਰ ਹੈ ਉਸਕੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਖਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕੀ ਆਵਲਾ ਆਖਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਆ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਫਲੈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬਚਾਈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਵਲੇ ਕੀ ਬਚਾਈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਣੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬੱਠੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਕੀ ਬੱਠੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀ ਪਰਗੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਮਚੇ ਕੀ ਕਾਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਮਚਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਚਮਚਾ ਆਖਦੇ ਰਿਮਚਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਅਸ ਠੂਠੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਟੋਰੀ ਕੀ ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਕੋਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਕੀ ਠੂਠੀ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੂਠੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੂਠੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਠੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਅਸ ਹੁਣ
पंजाबी छन्ना है, अस ठूठा आखने से हूँ, अस भी छन्ना आखना पसंद करने, ठूठा आखना पसंद नहीं करने, मतलब अस ठूठे की लेने कशकोल नहीं तरह, फर्क है भिक्षा पात्र है ना, ठूठा ठूठा भाई छन्ना बड़ा कटोरा है, ठूठी ठूठा मतलब असा चीज असें करना पैसी जमुर साहब, ये कोई और नहीं करने लगा, ये तुस मैं अनवर सारे सारे दोस्त है ना, वो कुत्ता बैठे ने, मतलब ये असें की मैं ना पांच लफ्ज हर हफ्ते उन्हें पंजे की गाली इस्तेमाल करा, मतलब ये नहीं कि वो लफ्ज बड़े ते सुने वाह वाह किता गल मुकी, नहीं उन्हें इस्तेमाल करा अस, और उन्हें किस तरह से उन्हें की टाली सकने अपनी रोजमर्रा नी मतलब जुबान विच अप्रोच विच, ये बहुत जरूरी है। खान साहब बिल्कुल 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 जी, साढ़े एक सुनना तकने लगे सरबजीत सैनी और अजीज आखने जी, सारे कोला पहला पहाड़ी अपने घर च बोला करा, ये गल बड़ी चंगी है कि अस जिचर अपने घर अंदर बोलन नहीं लगे इस जबान की, किसी भी जबान की खाली पहाड़ी तक महदूद नहीं रखने। एक गुफ्तार साहब ने भी कमेंट तकना, सो आखने जी कि खाली पहाड़ी क्यों, गोजमीरी प्रोग्राम क्यों नहीं करने, जिस तरह जमानत ने अगर गुफ्तगू पूरी सुनी होगा उन्हें क्या जी कि खाली नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम जी गोजरी ने भी इतों लॉन्च किया जाएगा, और अस चाहते हैं कि साड़ी जी अपनी पहचान है, साड़ी मां बोली इन्नी वजह नाल साड़ी पहचान है शिनाख्त है उसकी जिंदा रखा जाए। खुर्शीद मुगल साहब एक कमेंट किया सा स्वामी जी, उन्होंने तो साढ़े वास्ते कमेंट किया ने जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो वो आखने जी कि स्वामी अंतर नीरव और आखो कि जाने जाने कोई तबरक ने तौर पर अपना कलाम सुना, उस तो बाद प्रोग्राम मुकावा, तो मैं भी चाहता जनाब क्योंकि ताहिर महमूद और भी जुड़े ने, भी तकने लगे ने कमेंट भावे कोई नहीं किया, मैं चाहता जनाब कोई निका मोटा कलाम, मैं तुसें कलाम सुनाने कुड़ी की सही सुनाओ, तो फिर उस तो बाद इसकी समेटा और अगले एतवार जिस टाइम अस जुड़ सा उस तो पहले अस तुसें दस सुनांगे कि साड़ा मौजू के रहा सीगा, तो हौसला अफजाई भी कर सोगे, कलाम है फोन गुड़ प्याना में कुड़ी की आला देना, नेहा नेहा कुड़ी की आला आला दे में जस्ट, मैं तुझी सिमके सिर्फ त्रै चार सेकंड ना, खान साहब एक कोशिश मेरे ख्याल ही जड़ा शुरुआत कीती है ऐसा है, लोगों ही बड़ी पसंद आ रही है, तुस भी कमेंट पढ़ रहे हो, मैं भी कमेंट पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे लोग इसकी शेयर भी कर रहे हैं, असा सारे नहीं मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए नहीं है कि जेड़ी असा नहीं अपनी जबान है उन्होंने बकाश थे, तेरा आवाज नहीं आने पे क्या कर रहा है स्वामी जी, उन्हें ये बात सारे कोशिश करनी चाहिए नहीं है, उसे आवाज आने पे ही है, आ रही है स्वामी जी, बिल्कुल साफ, हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है स्वामी जी, साफ सुथरी सरफराज साहब या बाकी साथी माशाल्लाह लिखे हो ना दस्यो कि स्वामी जी आवाज तुसे देखो जी, स्वामी जी साड़ी पहन आने बड़ा चंगा लग्या स्वामी जी और अनवर साहब की देखिया इत्थे पहाड़ी उपर प्रोग्राम करने आ देखी रोमी जी तुसे देसा अस तकलीफ ते थोड़े नाल भी गल कर सांगे, कोशिश ए है सड़ा उपराला एक कोशिश कीती मैं उचानन जनाब एक मिनट जस्ट एक अनवर जी मैं यो अर्ज कर रहा सा कि कोशिशां असानी जारी रहनी चाहिए, हर जबान ने बोलन आले ही हक है जी जी,
स्वामी जी शायद डिसकनैक्ट करके दोबारा कनैक्ट होने वास्ते गए हैं, तो जो ही जुड़ सन साढ़े नाल तो अस उन्हों को बिल्कुल मुख्तसर जहाँ कुछ सुन गए तो उन्होंने रुख चाहेंगे तो, लेकिन स्वामी और वापस चले जिक्र साढ़े जुड़े नहीं हैं तो ना ही जमुरदुर की आवाज़ मेरे भी आने लगी नहीं है, पता नहीं तो समर्थन सुन वाले असं सुन सकने हो या नहीं। सरबजीत जी स्वामी और दरअसल डिसकनैक्ट करिए वापस आने से जुड़ सा ताकि अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो दूर हो सके। रोमी शर्मा जी बहुत शुक्रिया, तुसा कंग्रेचुलेशन लिखिया अल्लाह बोल आस्ते, ते वाकई ये मुबारक नहीं गल है कि अस अपनी मां बोली अपनी पछाण नाल जुड़ने की कोशिश करने लगे हैं, तो मकसद महज इतना है कि जिहड़ी साड़ी तहजीब सकाफत तमदन कटना जाना मिटना जाना, ब्याह शादियां ने गीत अज अस हनी सिंह ने गाने सुनने हैं या किसी फिल्मी गाने डैक लाई नचना शुरू कर छोड़ने हैं, लेकिन जड़े साढ़े लोक गीत से जड़ी साड़ी विरासत साड़ी तारीख नहीं एक पछाण से साड़ी वो साड़ी नवी नस्ल भुलनी जानी लगी नहीं, जिन्हें सारा ट्राइबल कल्चर मौजूद सा जिन्होंने पिछे एक वजह सी जिन्होंने अंदर एक मिठास एक मेलोडी सी वो फोक असड़ा साढ़े को मुकना लगा ना, साड़ी मरन नी रसूमात जीन नी रसूमात साढ़े खेत खलियान खिलाड़े गाने टेम अस के करने से हाँ लूंगा लाने टेम अस के करने से हाँ, वो सारिया चीज़ा अस इतने रिवाइव करने की कोशिश कर सेंगे और ऑन द स्पॉट कुछ वीडियोज भी रिकॉर्ड करके सड़न शेयर करने की कोशिश की जा सकेगी। मकसद महज इतना है कि साड़ी रियासत जम्मू कश्मीर में जितनी भी जबाना अस बोलने हाँ उन्हें सामिया जाए उन्होंने अगे आंदा जाए उन्होंने वादा किया जाए और खास तौर पर साड़ी जी नौजवान नस्ल दिन ब दिन इस को दूर होने लगी नहीं है उसकी अपनी मां बोलियों नाल जोड़ के रखने की कोशिश की जाए। गुलजार साहब बहुत शुक्रिया जजाकला, राही साहब भी सारा शुक्रिया, साड़ी भैन नीलम शर्मा और भी लिख रहे हैं आनंद जी इस तरह के प्रोग्राम आने वाले दिनों भी करने रहो, इंशाल्लाह साड़ा ये सिलसिला हर हफ्ते जारी रहेगा, हर अतारे अस शामी 8 और 9 बजे के दरमियान साढ़े को आया कर सेंगे और उस तो पहले की इसकी इनफॉरमेशन पेश की जानकारी साढ़े तक पहुँचाई जाया कर सेगी, उस व्हाट्सएप ना फेसबुक ना या बाकी जरा सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इस्तेमाल कर सेंगे साढ़े तक पुजन की कोशिश कर सा और जोड़े साढ़े वो शख्सियात हैं जिन्हें अपनी माँ बोली नी साम वास्ते काम किया है भावें शायरी की है कहानियां लिखी हैं ड्रामे लिखे टीवी सीरियल बनाए भावे कोई नाटक किया है किधरे भावे पहाड़ी तबके ने स्कॉलरशिप वास्ते दौड़ धूप की है या पहाड़ी जबान ने फरोग वास्ते कोई काम किया है या नज़ीर हुसैन इंस जैसी शख्सियत वो आज तो 30 साल पहले अगर चक बनोला बैठ के कायदा लिखने की कोशिश की है या मास्टर शाह मोहम्मद और अगर इसने स्क्रिप्ट इंप्रूव करने की कोशिश की है, ये सारिया कोशिशें जे एंड के बोर्ड की कोशिशें कल्चर अकादमी की कोशिशें इनफरादी कोशिशें इन्हें सारे के सामने आंदा जा सकेगा ताकि उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन हो पता लगे कि ना सिर्फ पुंछ रजौरी तक अस अपने आप ही महदूद रख सा बल्कि उड़ी करना टंगदार भी जो सारे लोग काम करने वाले छुपाइया में जफर इकबाल मनाज जैसी शख्सियात वाहिद स्वामी जी तुम कोई फके किस चीज ने मार ले रहे हो बस रोटी भी खानी है सारा चक्कर ढिड्डा नहीं है जी ते तुस आखरी फटाफट कोई सुनाओ तो फिर अस अपने सुनने वाले को बाको सुनो बकरवाल वाह वाह बकरवाल ए मेरे दोस्त जड़ा शाहनवाज है एकेडमी वाला जी जी बकरवाल उन्होंने नजर बकरवाल शाहनवाज उसने नजर जी जी गया सियाल आई बहार बकरवाल लैके भारू चोखर माल देंदे होका तुरपे टोका वाह 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 गया सियाल आई बहार बकरवाल लैके भारू चोखर माल देंदे होका तुरपे टोका। देखो जी पिटानिया किस्मा सिंगुड़ी कूनी छात मरूनी सुरमी तुरमी छतरी कतरी हाँ बकरी पिटानी किस्मा जी 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 मतलब उन्होंने आदत तो उन्होंने शक्ल तो उन्होंने बाला तू मुंडू पड़े इस बात की सिंगुड़ी कूनी मैं क्या मेरे एक्सप्लेन करना पैसे चल सी
मैक्सिमम पहाड़ी लोग हैं शायद समझ आए जाए उन्हें, चलो तो चलो लेकिन अगर जी सिंगुड़ी सिंगुड़ी कूनी छात मरूनी सुरमी तुरमी छतरी कतरी तुसी काली जत्तल पत्तल मारी पेड़ है सीना ठोका वाह बकवाल तुरगे ठोका चल बेटो वाह 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 वा। बहुत उम्दा सर बहुत उम्दा। तीर टब्बर कठिया करके जी तीर टब्बर कठिया करके घोड़िया उत्ते तंबू तरके जत दी तकली हथी फड़के उन दी पिमरी दी तड़के जत ना पिमरी है ना तकली जत तकली हथी फड़के उन दी पिमरी जेबी तड़के बाने सांबा कूनी रोका बकरवाल तुरगे टोका वाह 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 सुकियां बाल के रोटी तर दे जी सुकियां बाल के रोटी तर दे बलियां साल के गाहां टुर दे जी जुबान इस जुबान में बढ़ती ने मियां बहुत पक्ष वाली है सुकियां बाल के रोटी तर दे सुकियां बाल के रोटी तर दे बलियां साल के गाहां टुर दे विच पहाड़ा नदियां नाड़ा आड़ा विच पहाड़ा नदियां नाड़ा आड़ा जंगलां जाड़ा सनियां बरियां सोका बकरवाल तुरपे टोका बहुत अच्छे स्वामी जी बहुत अच्छे टुरदे टुरदे राह विच टुर गई साड़ी माई मां मर गई टुरदे टुरदे राह विच टुर गई साड़ी माई दूर है जाना डूंगी कबरे सोने पाई वाह 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 टुरदे टुरदे राह विच टुर गई साड़ी माई दूर है जाना डूंगी कबरे सोने पाई फेर विदाई आउंदे जांदे फातहा पढ़ा सैका वगन सांस मारा अथर रोका बकरवाल टुरगे टोका वाह 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 बहुत अच्छे स्वामी जी ये बड़ी कमाल नज़म सुनाई धर्मा साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम थी अब ठीक हो गई है स्वामी जी सुनाना चाहते हैं मुंडू हां ये नज़म पूरी कर सुनना जी नहीं 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 इस तो आगे सर तो आ गया साडे पहरेदार ने कुत्ते खान साहब जी 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 साडे पहरेदार ने कुत्ते इजड़ां दे सरदार ने कुत्ते शीहां नाल भी डैक है जावन खनेओ कुत्ते शीहां नाल भी डैक है जावन खनेओ तिखे यार ने कुत्ते चिटिए लोई डूंगी राते विच सन्नाटे जातर काले जा प्रभाते जातर काले जा प्रभाते उठनिया रैसन बबरी पोका जबड़ तले मर्ग द्रमन ले ले बकरूटे तै गदरे वाह 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 बचा पेड़ ना बचा बंदे ना बचा जबड़ तले जबड़ तले मर्ग द्रमन ले ले बकरूटे तै गदरे उड़ने जामन उठने जामन कुथे थमन नमी बहारी हाय किलकारी नमी बहारी हाय किलकारी जी फुलवाड़ी चाला करने आ कुइयां ठाका चाला होना अनकंट्रोल मूवमेंट्स हाथ लाने पैर लाने ना चाला कर है ना जी फुलवाली चाला करने आ कुइयां ठाका चत्ते करने आ किसरा रोका बकरवाल वाह 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 चारा गाना प्यारा वल्ला इनोसेंट चारा गाना है ना सल्ला होना जी साइलेंट सल्ला साइलेंट है चारा गाना प्यार अवला चला सला कलम कला
वाह 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 मतलब चारा गाना चारा प्यार प्यार अवला चल्ला सल्ला कलम कल्ला मेरे अल्लाह जानिया की मैं किसरा रोका बकरवाल तुरगे टोका तुरगे टोका वाह 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 बहुत शुक्रिया स्वामी जी बहुत शुक्रिया साढ़े तमाम तकन वाले ना कि जेडे साढ़े नाल जुड़े रहे जिन्होंने कमेंट्स अस तफसील विच पढ़ सा इस तो अलावा भी तुसी कमेंट्स असीं दस सकने हो कि असां की के करनी जरूरत है किस तरीके नाल इस प्रोग्राम की अस अगे बता सकते हैं अज एक तारफी प्रोग्राम सा यह सिलसिला चलना रहा सी साड़ी नुमाइंदा शख्सियात हरफीर नियासन साडे नाल गल कर सके ते मैं उम्मीद करना कि जबरदस्त मुकाबला पूरी टीम की एक कोशिश एक मस्बत नतीजा लिया सी और अस अपनी इस तहजीब के सामने इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो सा ओवर टू जमुर कुल साहब बहुत शुक्रिया तुसा सारे ना जेडे एक घंटे तो असला प्रोग्राम देख रहे हो खास तौर से मैं शुक्रिया इस करना चाहना कि मैं अपनी चाहना कि पानी सीख रहा मेरे दो उस्ताद मैनु मिल गए सारे भी सीखो जेडे नहीं जानते जिस तरह खान साहब ने स्वामी जी ने रखा प्रोग्राम मैं गुजारिश करा कि उस जुड़े रहो असल दसते रहो कि अस के मजबूत कर सकते हैं जिथे तक मेरी सोच है अनमल भाई की है स्वामी भाई की है जितना जितना अस बेहतर कर सकते हैं करा लेकिन असाई तुसानी रहनमाई की जरूरत रहेगी उसकी साथ रखू तो इंशाला हर हफ्ते अंदर खान साहब स्वामी जी आया करे अस इन्होंने सुनिया करा नए नए भगवान पहाड़ी रहेगी प्रोग्राम नवे नवे रहने चीजा नवी नवी देखोगे खान साहब बहुत शुक्रिया थोड़ा स्वामी जी बहुत शुक्रिया गल है कोई बापा यार सारे शुक्रिया।